तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी और यही दुआ आप लोग हमेशा अच्छे रहें। कहानी का सिलसिला लगातार जारी है। आज की कहानी की फरमाइश कुछ ऐसी कहानियाँ जिसकी सबसे ज़्यादा होती उनमें से एक भानगढ़ का किला और भानगढ़ के किले का रहस्य क्या है। जितनी मुँह उतनी बातें, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दावे किए इसको लेकर, अलग अलग कहानियाँ हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसको किया, उसमें आज तक भी शामिल है। दो बार आज तक की टीम भानगढ़ के किले में पहुंची और उस किले में जाने के बाद वहाँ जो पैरा नॉर्मल सोसाइटी है उनके लोग भी साथ में थे, ये जानने के लिए कि लोग जो कुछ कहते हैं इस किले के बारे में, इसके रहस्य के बारे में, इसके भूतिया होने के बारे में, इसमें भूत के बारे में, इसके अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें जो आती हैं, जो चीखने की, चिल्लाने की, घुंघरुओं की, हंसने की, उसकी सच्चाई क्या है। पहली बार आज तक की टीम 2010 में गई थी, तब हमारे एक साथी हुआ करते थे अहमद अजीम, वो गए थे बाकायदा जो इंडियन पैरा नॉर्मल सोसाइटी उनके लोगों के साथ लेकर, और उन्होंने वहाँ तफ्तीश की थी उनकी, जो अलग अलग K2 मीटर और क्या क्या होता है उसके ज़रिए कि कुछ उसमें से कुछ निकलता है कि नहीं। दूसरी बार कुछ साल पहले श्वेता गई थी और वो भी जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं साथ में थे, तो इन लोगों की कोशिश यही थी कि वहाँ जाकर सच्चाई की तह तक पहुँच सकें कि इस भानगढ़ को लेकर जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, इसके बारे में जो कही जाती हैं उसकी सच्चाई क्या है। इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही बार जाने पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके कि वहाँ कुछ है, वहाँ भूत प्रेत का बसेरा है, वहाँ जिन है या कुछ और चीज़ें हैं। काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर अब मैं बात करूँ इंडिया की और हिंदुस्तान के हॉन्टेड प्लेस की या सबसे खौफनाक हवेली किले की, तो शायद भानगढ़ से बड़ा नाम और कोई नहीं है। इसको लेके तमाम कहानियाँ हैं और इन कहानियों को फैलाने में मुझे लगता कहीं ना कहीं हमारी सरकार का भी एक रोल रहा है। उसकी वजह यह है, जिस चीज़ की कानून इजाज़त नहीं देता वही चीज़ अगर सरकारी बोर्ड पे लिखा हो तो फिर आप क्या कहेंगे। और ऐसा ही इकलौता नहीं, ऐसे बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग हैं, बल्कि मुझे याद है लखनऊ में एक DM का जो बंगला है उसको भी एक वक्त में हॉन्टेड प्लेस कहा गया था और बाकायदा सरकारी दस्तावेज़ में। तो जब सरकारी दस्तावेज़ में ऐसी चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार भी भूत प्रेत में बिलीव करती है, लेकिन कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आज तक हिंदुस्तान की किसी अदालत में कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें कोई मुकदमा भूत प्रेत पे चला हो और भूत प्रेत को मुलजिम या बेकसूर ठहराया गया हो या अदालत ने माना हो कि इस जुर्म के पीछे किसी भूत प्रेत साया जिन जिन्नात का हाथ है। कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कानून में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भानगढ़ किले को लेकर खुद सरकार का एक आदेश, इस किले के बाहर एक बोर्ड है, आप में से बहुत सारे लोग शायद गए हों वहाँ पर, नहीं गए हो तो ज़रूर जाइए, अच्छी जगह है। मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। हाँ, उस किले को देख के थोड़ा सा लगता है कि अजीब सा डरावना टाइप का है, लेकिन वक्त के साथ इतने 100 साल बीत गए, कभी आबाद नहीं हुआ, कोई रहा नहीं, तो आप अपने जिस घर में भी रह रहे हैं उस घर को आप छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद उसकी हालत भी बदल जाती है। जैसे इस किले भानगढ़ किले की क्या कहानी, बल्कि निठारी का किस्सा ले लीजिए, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगी वो कोठी D5, तो वो कोठी थी, लेकिन अभी आप उसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जंगल, झाड़ी, पेड़ सारे उगाए हैं, कोठी लगभग उस झाड़ के पीछे छुप सी गई है, देख के डर लगता है। तो वो तो कई 100 साल पुराना किला है। तो सरकार ने वहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है और उस बोर्ड में बाकायदा लिखा हुआ है कि सूर्य उदय और सूर्य निकलने से, सूर्य अस्त से पहले, मतलब सूरज जब निकले तब तो ठीक है और सूरज डूबने के बाद लेकिन कोई वहाँ ना जाए, मतलब आप रोशनी में सूरज की वहाँ जा सकते हैं, आप दिन में जा सकते हैं, सूर्य उदय के बाद आप जाइए लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले वापस लौट आइए, सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, आपको जाना मना है। और इन चीज़ों ने इसको और भी बढ़ावा दिया कि ये वाकई इस किले के अंदर कुछ राज है, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सैकड़ों साल बीत गए, करीब 400 साल तो बीत ही गए होंगे, 400-500 साल,
लेकिन आज भी इस राज तक कोई नहीं पहुंच पाया कि वाकई भानगढ़ का किला जो है वहाँ कोई भूत रहता है कि नहीं। किले का इतिहास ये है कि राजा भगवान दास ने, जो आमेर के राजा थे, उन्होंने इस किले को बनाया था। और ये भानगढ़ का किला, ये दिल्ली से अगर आप जाएंगे तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। और एक सरिस्का भी है, जो सरिस्का में वहाँ पे काफ़ी जो जंगल है बहुत फेमस है, तो उसके करीब है ये। 1573 में इस किले का निर्माण हुआ, इस किले को बनाया गया। और कहते हैं कि जो एक राजा मानसिंह थे भानगढ़, उनके भाई माधो सिंह की ये कभी राजधानी हुआ करता था भानगढ़ का इलाका। और जो मानसिंह थे वो अकबर जो बादशाह थे उनके बेहद करीबी माने जाते थे। तो भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में हुआ, और उसके बाद आसपास में सारी चीज़ें थी, आबादी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन फिर ऐसी क्या चीज़ हुई कि भानगढ़ किले के ऊपर एक तोहमत लग गया, एक श्राप लग गया कि ये भुताहा है, यहाँ पे भूत रहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कहानियाँ थी। आज भी उस किले में जाएंगे तो आप देखेंगे अंदर खंडर है, कुछ बाज़ार जो उजड़े हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए वो मिलेंगे। 3 मंजिले ऊँची आपको बिल्डिंग मिलेगी, उस वक्त की बनाई हुई हवेली, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आप देखेंगे उसको तो वाकई, और एक तो जब सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो दिमाग में हमारे वही चीज़ें चलती हैं, तो अब जब वहाँ पहुँचेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे वहाँ की, तो अपने आप आपके दिमाग में एक खौफ, एक डर बैठ जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब इस भानगढ़ को लेकर और इसके भूताहा होने को लेकर अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जो उनमें सबसे ख़ास कहानियाँ हैं, जो जिसके बारे में लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, वो 3-4 हैं। पहली ये है कि जब राजा भगवान दास इस भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे, तब उस किले की ज़मीन के पास एक साधु रहते थे जिनका नाम था बालूनाथ योगी। ये वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान जब इन्हें पता चला कि यहाँ पे एक भानगढ़ का किला बन रहा है, बहुत बड़ा आलिशान, और राजा भगवान दास बना रहे हैं, तब बालूनाथ योगी ने एक पैगाम, एक संदेश भिजवाया था कि आप इस किले को बनाओ, इसकी इजाज़त है, अनुमति है, लेकिन इस किले की ऊंचाई इतनी मत करना कि उस किले की परछाई जहाँ पे मैं तपस्या करता हूँ वो मेरे प्रांगण तक पहुँचे, तो मेरी कुटिया तक आए। तो आप बनाओ लेकिन ऊंचाई का ख्याल रखना, क्योंकि जब ऊंचा होता और आप एक सामने वाला नीचे कहीं बैठा हुआ अपनी कुटिया में, तो उसकी परछाई जब धूप पड़ती है तो वो वहाँ तक जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि धूप वक्त के साथ सुबह से शाम के बीच में अपनी परछाई बदलता रहता है, जैसे जैसे सूरज की रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे वैसे परछाई की भी हरकत बदलती जाती है। तो उनका ये कहना था कि इस किले का निर्माण तो करो लेकिन इसकी ऊंचाई का ख्याल रखना, ताकि उसकी परछाई से मेरा प्रांगण डूबे नहीं और उसकी परछाई उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बालूनाथ योगी की इस बात को किला बनाने वाले लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, माना नहीं। और जब वो महल बनकर तैयार हुआ तो उस महल की परछाई जो है वो बालूनाथ योगी के उस कुटिया तक पहुंच गई। जब वो परछाई वहाँ उस महल की पहुंची, तब उन्होंने देखा, और तब कहते हैं कि बालूनाथ योगी ने श्राप दिया था कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। ये एक जिस पे सबसे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं जो, और बालूनाथ योगी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये उन लोगों का कहना था कि असल में भानगढ़ किले को जो पहला श्राप दिया था वो दिया था बालूनाथ योगी ने, और उसकी वजह यही थी, किले की परछाई और उसकी ऊंचाई। जब उन्होंने श्राप दिया, उसके बाद कहते हैं कि फिर भानगढ़ उनके श्राप की वजह से तबाह हो गया। दूसरी कहानी जो आती है वो ये है कि भानगढ़ इसलिए तबाह हुआ या उजड़ने लगा, क्योंकि यहाँ एक तो ये याद रखिए कि जो पूरा एरिया है वहाँ पे पानी की किल्लत रही, आज भी है, ये पूरा जो अलवर का इलाका है, और वहाँ पे 1783 में, यानी कि भानगढ़ किले के निर्माण के करीब करीब
200 साल के आसपास, 190 साल के बाद वहाँ एक ज़बरदस्त अकाल पड़ा था और उस अकाल ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को हराम कर दिया। जानवरों तक को पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, खेती नहीं हो रही थी, सब उजड़ चुका था। और इसी अकाल ने वहाँ की पूरी रिहाइश, पूरी बस्ती, लोगों को उजाड़ दिया और लोग वहाँ से भानगढ़ छोड़कर अलग अलग जगहों पर दूर जाकर बस गए और इस तरह से भानगढ़ वीरान हो गया। जब वो लोग गए तो फिर किला भी खाली हो गया। एक तीसरी कहानी है कि जब भानगढ़ में उस वक्त एक जंग हुई थी और उस जंग में भानगढ़ के जो पूरी रियासत थी वो तमाम लोग हारे, बुरी तरह से मारे गए, लेकिन उस वक्त के राजा और उनके वंशों ने वहाँ पे बहुत सारा ख़जाना छुपा के रखा था और वो उसी भानगढ़ के किले में दबा कर रखा था। तो उस ख़जाना को जब तब निकालने के लिए उस दौर में ये प्रचार किया गया कि इस भानगढ़ में भूतों का साया है, भूतों का डेरा है और इसीलिए लोग इधर ना आए, तो लोग डर के नहीं आते थे ताकि वो ख़जाना हिफाजत से रहे और सराने को जब जब मौका मिले वहाँ से निकाल कर ले जाया जाए। ये एक तीसरी कहानी है। तो ख़जाने की वजह से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, भानगढ़ को एक भूताहा जगह बनाया गया और उसके बाद इसको लोगों से दूर रखा गया। सवाल ये है कि ये कहानियाँ, इसके अलावा एक सबसे और भी कहानी है जिस कहानी को इस बालूनाथ योगी के साथ साथ रखा जाता है और कहा जाता है कि सबसे बड़ी वजह जो भानगढ़ किले के भूताहा होने की है वो ये सारी कहानियाँ नहीं है, बल्कि वो कुछ और है, उसका सच कुछ और है। लेकिन वो कहानी आपको सुनाऊँ उससे पहले ये कि जो अपनी भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने बाकायदा इस पूरे भानगढ़ किले को, ये तमाम कहानियाँ सुनने जानने और उस किले को देखते हुए उसने इसको रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर कर रखा है पूरे भानगढ़ किले को और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर में आता है। लेकिन कमाल ये देखिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक मतलब एक डिपार्टमेंट है, उसने इसको रिजर्व्ड एरिया, संरक्षित वो तो डिक्लेयर कर दिया और ऐसे जितने भी मॉन्यूमेंट्स या हवेली या किले हैं हिंदुस्तान भर में जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा, रिजर्व कर रखा है, उन सब की एक खासियत, आप इंडिया में कहीं भी घूमने जाएंगे ऐसे जगह पे जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने डिक्लेयर कर रखा है वहाँ पर बाकायदा उनके दफ्तर होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, वो देखभाल करते हैं, बाकी चीज़ों को हैंडल करते हैं। भानगढ़ किला एक लौती ऐसी जगह है जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर तो कर रखा है लेकिन हिंदुस्तान के बाकी किसी भी ऐसे किले, हवेली, मॉन्यूमेंट्स की तरह उन्होंने इस भानगढ़ किले या उसके आसपास अपना ऑफिस या दफ्तर नहीं बनाया। ये पहला और इकलौता मामला है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के ऐसे तमाम रिजर्व्ड एरिया में अपने दफ्तर हैं। भानगढ़ किले में उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दफ्तर खोलें और वहाँ कोई स्टाफ बैठे, सिर्फ इस दहशत और डर की वजह से कि यहाँ भूतों का बसेरा है। तो भानगढ़ किले का जो दफ्तर है, नेशनल आर्काइव जो डिपार्टमेंट है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, वो उस भानगढ़ किले से कई किलोमीटर दूर अलग जगह पे है। तो इससे भी एक इन अफवाहों को बल मिला कि भारतीय पुरातत्व विभाग तक इस चीज़ से डरती है कि यहाँ पर भूत है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर कुल भानगढ़ किले को एक रहस्य बना के रखा। लेकिन अब जो मेन है, एक आपको बताया कि कैसे एक तपस्वी के इसमें ऊंचाई और परछाई को लेकर, एक ख़जाने को लेकर, एक अकाल की वजह से, एक जंग की वजह से, एक कहानी यह है कि इस भानगढ़ किले की जब को बनाया गया, इसका जब निर्माण हुआ, तब एक राजकुमारी थी वहाँ, उनका नाम था रत्नावती। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के पूरे इलाके में दूर दूर तक थे। बहुत सारे राजकुमार, बहुत सारे, चूँकि उस वक्त राजा रजवाड़ों का दौर था, राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पे मोहित थे और वो शादी करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने प्रस्ताव भी भेजे अलग अलग शाही घरानों से, लेकिन उस वक्त किसी भी ऐसे प्रस्ताव को उस
शाही परिवार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे लगातार दूर दूर तक फैल रहे थे। इसी दौरान कहते हैं कि एक बार रत्नावती भानगढ़ में अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार निकली। बाजार जब वो पहुंची तो एक इत्र की दुकान में पहुंची। इत्र की दुकान से वो खुशबू ले रही थी, वो इत्र खरीद रही थी, तभी एक शख्स जिसका नाम सिंधु खेड़ा है, वो उस दुकान के बाहर राजकुमारी रत्नावती को देख रहा था और राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पे वो बुरी तरह से फिदा हो गया और बस वो किसी भी कीमत पे राजकुमारी को पाना चाहता था। और उसी वक्त उसे लगा कि बस ये राजकुमारी उसी की है और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन जो सिंधु खेड़ा था ये एक बड़ा तांत्रिक भी था और तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था। इसने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा, मोहित हो गया, तो उसी क्षण उसे लगा कि वो उससे प्रेम करता और उसके बिना वो रह नहीं सकता और किसी भी कीमत पे राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना है। इसीलिए उसने क्या किया कि राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए, चूंकि तंत्र मंत्र का वो माहिर था, उसने एक इत्र के बोतल में कुछ तंत्र मंत्र किया और किसी तरीके से वो इत्र का बोतल जो है वो चाहता था कि राजकुमारी रत्नावती अपने साथ ले जाए। और यही हुआ, जो इत्र रत्नावती को पसंद, वहाँ पे जो भी खुशबू जो आई उसमें से एक इत्र की शीशी में उसने तंत्र मंत्र किया और वो चुपके से उसी जगह पे रख दिया। उसके बाद रानी रत्नावती ने, वो जो राजकुमारी थी, वो इत्र की शीशी उठाई, वापस भानगढ़ किले की तरफ जा रही थी। लेकिन इस दौरान में उनकी एक सहेली ने इस शीशी को रखते हुए उस तांत्रिक को देख लिया और उसने ये बताया कि उसने ऐसे ऐसे किया और उसने कुछ इसमें झाड़ फूंक किया है। राजकुमारी रत्नावती को जब ये सच्चाई पता चली तो दुकान से बाहर निकलने के बाद वो चल रही थी, पीछे पीछे तांत्रिक आ रहा था, तो उन्हें लगा कि कुछ झाड़ फूंक, और उस जमाने में ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, तो कि तंत्र मंत्र का कुछ असर ना हो, उस इत्र की शीशी को रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर पर दे मारी। मतलब वो उसको फेंक के अपने वापस जाना चाह रही थी, इत्र की शीशी अपने साथ किले तक नहीं ले जाना चाहती थी। तो इत्र की शीशी जब वो पत्थर पे मारी और पीछे पीछे वो तांत्रिक चल रहा था खेड़ा, तो पत्थर पे मारने के बाद कहते हैं कि उस तंत्र की सारी जो तंत्र मंत्र था वो उस पत्थर में उस इत्र की शीशी की बदौलत आ गया और वो पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा और लुढ़कते हुए पीछे आ रहे वो तो तांत्रिक उसके पीछे आ रहा था, उस पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया। वो बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर से कुचलने से तांत्रिक की मौत हो गई। जब तांत्रिक मरने लगा तब कहते हैं कि उसने ये देख लिया था उस इत्र की शीशी को पत्थर पर फेंकते हुए, फिर उसको मालूम था कि उसमें क्या शक्ति है, फिर वो पत्थर चूंकि उसमें कुछ ऐसा उसने किया था कि जो भी वो इत्र लगाए वो जिस चीज़ पे भी वो एक तरह से उसके वश में होगा, तो वो पत्थर, वो राजकुमारी को पाना चाहता था लेकिन इत्र पत्थर पे पहुंच गया और पत्थर जो है वापस तांत्रिक की तरफ लुढ़का, तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया और उसने ये श्राप दिया कि इस भानगढ़ किले में रहने वाली इस राजकुमारी के साथ जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, और ये उसका श्राप है कि ये सारे मारे जाएंगे और इन सब की आत्माएँ ताउम्र हमेशा के लिए इस भानगढ़ किले में ही भटकती रहेंगी। ये उस तांत्रिक ने श्राप दिया। अब इस कहानी को लेके सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं कि इस कहानी में सच्चाई है, लेकिन फिर एक चीज़ आ जाती है कि इन चीज़ों के लिए कानून में जगह नहीं है। लेकिन इत्तफाक ये है कि इस तांत्रिक के श्राप देने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और पास के एक अजबगढ़, दूसरे राज्य, जो दूसरा राज्य था वहाँ दूसरा राजा था, इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में जंग छिड़ जाती है। इस जंग के दौरान अजबगढ़ की सेना जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली निकली और कहते हैं कि इसी जंग के दौरान भानगढ़ किले में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई, उन्हें लूटा गया, उनकी महिलाओं के साथ क्या कहते हैं अभद्र व्यवहार किए गए
और कहते हैं इसी जंग में ज़्यादातर भानगढ़ किले के लोग मारे गए, और यहाँ तक कि जो राजकुमारी रत्नावती थी उनकी भी मौत हो गई। अजबगढ़ के सिपाहियों ने भानगढ़ किले पर जब कब्जा किया, अंदर घुसे और उन्होंने पूरे किले के अंदर जो कत्लेआम किया, उतने बड़े पैमाने पर पहले उससे इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, और लगभग किले में मौजूद हर जिंदा शख्स को जिसको भी देखा उसे मार डाला। तो कहते हैं कि असल में भानगढ़ किले की इस वीरानी की कहानी यह है कि अजबगढ़ से जो जंग हुई थी उस जंग में भानगढ़ की हार हुई, और उस हार में तमाम लोग मारे गए, और उन लोगों की आत्माएं जो है वो उस किले में रहीं। कई लोगों ने उसके बाद चश्मदीद जो विटनेस आसपास के फिर गांव के लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ किले से रात को चीखने की आवाज़ आती है, कुछ ने कहा हंसने की आवाज़ आती है, कुछ ने कहा घुंघरुओं की आवाज़ आती है। कुछ लोग जो उस दौर में धीरे धीरे फिर ये भी बताना शुरू किया कि वो रात को वो शख्स किले की तरफ गया, वो ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रात को किले की तरफ गए लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। तो ये धीरे धीरे कहानियाँ चलती रही। उसके बाद खौफ का आलम यह हुआ कि लोगों ने उस किले की तरफ अंधेरे में जाना छोड़ दिया, और आसपास की जो बस्ती थी इस भानगढ़ किले के आसपास, फिर उन्हें भी लगा कि उस किले से कुछ अजीब सी निगेटिव चीज़ें आती हैं। उन्होंने भी अपनी बस्ती को छोड़ा और धीरे धीरे इस भानगढ़ किले से दूर जाकर अपनी बसावट बसना शुरू किया, और इस तरीके से वक्त के साथ भानगढ़ किला अकेला होता गया, वीरान होता गया, और उसकी कहानियों ने उसे और भी ज़्यादा डरावना बना दिया। और आज ये हालत है कि हिंदुस्तान में अगर किसी खौफनाक, किसी सबसे ज़्यादा भुताहा किले के नाम की तोहमत के साथ किसी को जोड़ा गया है तो वो भानगढ़ का किला है, और आज भी वहाँ पे ये बोर्ड है कि आप रात में वहाँ नहीं जा सकते। आज भी लोग ये कहते हैं कि जो भी रात को गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन ये है कि किसी ने रात को ठहर कर, ये भी एक फैक्ट है, पूरी तरह से देखने की हिम्मत नहीं की। एक तो ये है कि आप रात को अब जा नहीं सकते, कानूनन वो गलत है क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक नोटिस जारी कर रखा है। तो अगर कोई इस पर रिसर्च करना भी चाहे रात को, तो शायद पता नहीं उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये भी है कि आपको गारंटी नहीं देगी जो भी विभाग है या गवर्नमेंट है, आपको अपना रिस्क लेना होगा। लेकिन जब मैं गया था वहाँ पे भानगढ़ का किला, मैंने जब देखा तो ऐसी, हालांकि अब ये है कि मैं, जाहिर सी बात है, दिन में गया था, लेकिन मैं करीब 4:30-5 तक था, मुझे कभी कहीं से कोई ऐसी आवाज़ या कोई चीज़ें सुनाई नहीं थी। लोग कहते हैं रात को आती है, तो ये भी हो सकता है, रात में रुका नहीं था। लेकिन हाँ, एक फैक्ट है कि जो जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो ये सच्चाई से बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये सारी कहानियाँ थी जो मैंने सुनी, जो पढ़ी, जो देखी। तो जब भानगढ़ किले को पहली बार मेरी आंखों ने देखा तो अचानक वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कोंधने लगी थी, वो सारी कहानियाँ अपने आप कान बजने लगा था। ऐसा लग रहा था कि किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है, किसी की घुंघरू की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो सारा वहम था क्योंकि वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था। बट ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, ना सुनाई दी, ना दिखाई दी। लेकिन वो किला देख के अपने आप एक वो लगा था कि हाँ, इस किले में कुछ अजीब सी चीज़ है, एक अजीब सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने से दूर करना चाहता है। अब मालूम नहीं वो इन कहानियों का असर था, जो सुना उसका असर था, क्या था। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जाके दो बार चेक किया, उनके हिसाब से यहाँ कुछ नहीं था। जो भूत प्रेत की कहानी है वो सब बेकार है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि लगभग 300-400 साल हो गए, लेकिन भानगढ़ किले के साथ भूतों के बसेरे का ये जो तमगा लगा हुआ है, जो श्राप है, वो अभी तक हटा नहीं है। अब देखना ये है, बहुत बड़े एरिया में, पहाड़ी के दामन में यह किला है, आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या लोगों की सोच बदलती है, क्या इस किले को कुछ बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्या लोग हिम्मत करके वहाँ आसपास बस सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जवाब आने वाले वक्त में है। तो ये थी कहानी भानगढ़ किले की। आप में से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जवाब होगा, और भी एक दो था, तो एक दिन मैं किसी दिन आपसे लाइव उसके बारे में बातचीत करूँगा और सिर्फ सवाल जवाब पे ही बात करूँगा। तो आज फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।